हाँ वही व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी विशेज हैं जो फुलफिल करने की इच्छा है उनको। पेज ऑफ कप्स, वो आपकी तरफ आने के लिए तैयार हो रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। आपको कोई ऑफर बट छोटी हो सकती है, दे सकते हैं आपकी तरफ आने के लिए। मतलब बिल्कुल उन्होंने तैयारी कर ली है, वो सोच चुके हैं कि मुझे जाना है तो जाना है। बट काफ़ी कुछ छुपाने वाले हैं, थोड़े स्लो एनर्जी में हैं, काफ़ी कुछ छुपाने वाले हैं आपसे। काफ़ी बर्डन में है, बंदा अकेला हो सकता है, अपने परिवार का कुछ काम करने वाला या कमाने वाला बंदा अकेला हो सकता है, इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। मैनिफेस्ट चालू है, काफ़ी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ईश्वर से आपको मांग रहे हैं, और वो मतलब रोज़ दुआओं में आपको मांगते हैं, ईश्वर से कहते हैं हे ईश्वर मुझे ये व्यक्ति दे दो, और मुझे कोई एफर्ट्स भी नहीं लगाना पड़े। वो नहीं लगाना चाहते, वो अपनी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते। पेज ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी वर्क चल रहा है पेंटिकल्स के ऊपर भी, और आपके लिए भी काफ़ी वर्क कर रहे हैं। हर्ट है, किसी ने हर्ट किया है, या फिर आप दोनों के झगड़े की वजह से वो हर्ट है, दुखी हैं। पास्ट की बातें याद करके, आपको याद करके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रोते हैं, बट आपके रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, काफ़ी वर्क करना चाहते हैं। पास्ट में जो उन्होंने गोस्टिंग की, आपको छोड़ा, और इसका रिग्रेट है, दुखी है, तकलीफ़ में है। पास्ट की गलतियों को याद करके काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बट आपके लिए टू ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपको अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं, उन्हें सिंक्रोनिसिटीज एंड साइंस मिल रहे होंगे एंजल्स की तरफ से। एंजल्स उन्हें बता रहे होंगे कि तुम जहाँ से भाग रहे हो, भागने वाली जगह नहीं है, वो तुम्हारी ही जगह है, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। क्योंकि एंजल्स, देखो, टेम्परेंस बैलेंस कर रहे हैं, वो भी बैलेंस करना चाहते हैं। एंजल्स से प्रार्थना कर रहे हैं बल कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, उन्हें ज़्यादा कुछ भी करना ना पड़े। कुछ लोगों के साथ झगड़े चल रहे हैं उनके, काफ़ी उनकी लाइफ में झगड़े वाली पोजीशन है, कंडीशन ख़राब है। कुछ लोगों की लाइफ में ब्लैक मैजिक की वजह से ये सब परेशानियाँ हो रही हैं। आप दोनों में अगर झगड़े हो रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है तो ब्लैक मैजिक किया हुआ है, किसी ने तो किया है। और आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं आपको लेकर के, कि आप उन्हें उनकी लाइफ से चले ना जाओ कहीं छोड़ के। और बंदे ने काफ़ी कुछ छुपाया है आपसे, तो इसका रिग्रेट है उसे, कुछ छुपा रहा है, तो देखते हैं कि क्या छुपा रहा है। क्योंकि ये छुपा रहा है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी तरफ आने की स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि उसने पास्ट में जो गलतियाँ की ना, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर। और इमोशंस भी छुपा रहा है आपसे, काफ़ी इमोशनल हो रहा है आपके लिए। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लवर्स की एनर्जी में है, तो ये काफ़ी कुछ छुपा रहा है बंदा आपसे। तो देखते हैं कि आपके लिए ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, या अब इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है, या फिर क्या होना चाहिए, आपको करना क्या चाहिए। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वो समाप्त होगी। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है या कुछ भी ऐसे इश्यूज हैं तो वो ख़त्म होगी। अगर ये रिश्ता आपके लिए डिज़र्व नहीं करता है तो वो रिश्ता भी ख़त्म हो सकता है, ईश्वर का कहना यही है। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं, दृढ़ और निश्चय होना चाहिए। तो आप अच्छे हो इसीलिए लोगों से धोखा खाते हो, तो इतने भी अच्छे मत बनो। तो अपने अंदर दृढ़ता लाओ और निश्चय कर लो कि हाँ, जब जो भी करना है उसके लिए एक निश्चय करके चलो। अनाशक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रित ना कर पाए। तो कभी आप किसी के नियंत्रण में ना हो, ईश्वर यही चाहते हैं, आप दूसरों के नियंत्रण में ना हो, और अपने लिए, स्वयं के लिए अपनी राह स्वयं से बनाओ। मतलब सेल्फ लव करो, दूसरों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। अगर किन्हीं को आपकी लाइफ में रहना है तो वो वापस आ ही जाएगा, और नहीं रहना है तो वो चले आएंगे, क्योंकि हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है। भरोसा और आस्था, तो आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो, तो आप अपने अंदर से डर निकाल दो और ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखो। ओके, तीन सी को याद रहो, कट, क्लियर एंड कैंसिल। अपनी स्मृति, परेशानियों और चिंताओं को छोटे निर्मल कीजिए, छांटे एवं निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए।
तो ईश्वर कह रहे हैं कि अपनी लाइफ से जो भी आपको डिजर्व नहीं करते, जो भी ऐसी परिस्थितियाँ, उन्हें कट करो, कट क्लियर एंड कैंसिल करो, अपनी लाइफ से हटाओ। क्योंकि अगर आप उसी में स्टक रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जिनके पीछे आप भाग रहे हो, अगर आपको डिजर्व नहीं करते, आपके लायक नहीं है, तो उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करो और आप आगे बढ़ो आगे। क्योंकि आप वहाँ पे स्टक हो, अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, समय किसी के लिए बैठा नहीं रहता। तो आइए देखते हैं एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। एंजल्स हेल्प करें हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या एडवाइस है आपकी? एंजल्स हेल्प करें हमारे व्यूवर्स के लिए। हाँ, इन द नियर फ्यूचर, अगर आप जो भी कुछ भी सोच रहे हो तो आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में आने वाला है वो सारा। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ लोगों की लाइफ में फ्यू वीक्स में रोमांस आने वाला है। आपकी लाइफ में फ्यू वीक्स में रोमांस आने वाला है। तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में न्यू फ्यूचर में रोमांस आ सकता है। जो भी आप सोच रहे हो नियर फ्यूचर में मिलने वाला है, तो हर समय मतलब क्या है ना, कुछ ही टाइम का होता है, सुख भी और दुख भी। तो सुख ज़्यादा समय रहता है, दुख तो थोड़े दिन के लिए आते हैं, लेकिन इतना ज़बरदस्त होता है कि लोग घबरा जाते हैं। इफ़ यू बिलीव, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप अगर एंजल्स पे विश्वास करते हो, अपने गॉड पे विश्वास करते हो और सरेंडर करते हो, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सारी चीज़ों की रिकवरी भी हो जाएगी। देखो रिकवरी, सभी जो भी आपने खो दिया, सारे चीज़ की रिकवरी होगी। पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, रिमेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है और ईश्वर पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो और पॉजिटिव सोचो। ओके, देखते हैं आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते हैं, वो मन में आपके लिए क्या फील करते हैं जो कह नहीं पाते, वो क्या फील करते हैं जो कह नहीं पाते हैं। जिनके पर्सन जेन्युइन हैं, जिनके पर्सन सच में आपके लिए सोचते हैं, उनके लिए मैं ये बातें बता रही हूँ। जो फेक पर्सन से डील कर रहे हो उनके लिए मैं ये बातें नहीं बता रही हूँ। जो फेक पर्सन से डील कर रहे हो उनके लिए नहीं, जिनके पर्सन उनके लिए सही है। थ्रोट चकरा, वो बोल नहीं पा रहेगा। इस थ्रोट चकरा, मैंने कहा ना डेविल की एनर्जी आई थी, किसी ने उनके थ्रोट चकरा को बांध रखा है। निश्चित ही वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने उनके थ्रोट चक्रा को बांध के रखा है ताकि वो आपसे एक्सप्रेस ना कर पाएँ, कुछ बोल ना पाए। तो ये कंडीशन है। और आपके पर्सन इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक लगातार किया जा रहा है, आप दोनों को रोकने के लिए ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी उनके सामने बहुत अच्छी है, थर्ड पार्टी का चेहरा उनके सामने बहुत अच्छा है, इसलिए ये चीज़ आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे। आई नो यू आर द वन फॉर मी, उनको पता है कि आप उनके लिए स्पेशल हो। आई नीड टाइम फॉर मी, वो कुछ टाइम चाहते हैं आपसे। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, वो अपने दोस्तों को आपके बारे में बोलते हैं, उनके आपके बारे में बातें चलती हैं उनके बीच में, दोस्तों के बीच में। यू आर माई लास्ट लव, आप उनके लास्ट लव हो। मैं आ रहा हूँ, वो आ रहे हैं, बट उन्हें थोड़े टाइम की ज़रूरत है। कुछ लोगों के पर्सन को टाइम की ज़रूरत है, बट कुछ लोगों के पर्सन स्पीड में आपकी तरफ आएंगे। थोड़ी मतलब स्पीड उनकी तरफ से होगी, लेकिन एनर्जी उनकी स्लो है, तो थोड़ा टाइम तो वो ले ही लेंगे ना। आई एम स्टक इन कार्मिक सिचुएशन, तो कुछ लोगों के पर्सन कार्मिक सिचुएशन में स्टक हैं। आई हैव टेकन डिसीजन फॉर यू, वो स्टक हैं बट कुछ डिसीजन उन्होंने ले लिया है, कुछ मतलब ऐसा है जो डिसीज़न उन्होंने लिया है कि हाँ आपकी तरफ आना है। आई लव यू विथ एवरी बीट ऑफ माई हार्ट, जब जब उनका दिल धड़कता है जितने बार उतने बार वो आपको आई लव यू आपके साथ फील करते हैं, आपको कहना चाहते हैं। डू यू थिंक अबाउट मी टू, जिस तरह से वो आपके लिए सोचते हैं, क्या वो आप भी उनके लिए सोचते हो, पूछ रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड, ओके, दो दो कार्ड एक साथ आएगा इस बेस्ट फ्रेंड का भी। एंड I don't want to be alone, वो अब रहना नहीं चाहते अलोन आपके बिना, वो अलोन फील कर रहे हैं। आई मिस यू एवरी टाइम, आपको मिस करते हैं वो। आई वॉन्ट टू बी विथ यू, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। यू आर नंबर वन इन माई लाइफ, उनकी लाइफ में आप नंबर वन हो।
थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ. ओके मेडिटेशन. ओके एंड दो कार्ड मैं और ले पाऊँगी. लेट्स स्टार्ट अगेन. फिर से उन्हें स्टार्ट करने की इच्छा है आपके साथ. ओके नो वन एल्स मैटर व्हेन आई लुक्स इनटू योर आईज. ओके वो आपके आईज में दिखते हैं तो उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता. तो फिलहाल यही एनर्जी थी. थैंक यू. लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़.